नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। जैसा कि अनुमान था, मामला उससे कहीं बढ़कर हो चुका है। ईरान ने जो करना था वह तो कर दिया, लेकिन अब उसकी फटकर हाथ में आ गई है। अमेरिका का एक्शन बेहद जबरदस्त है। ऐसे में ईरान में अब बहुत अधिक डर का माहौल बन गया है। ईरान के डर का अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसने भारत से गुहार लगाई है, उसे विश्व शांति में अपनी भूमिका निभाने का आग्रह किया है। कल देर रात जब ईरान ने 22 के लगभग शॉर्ट मिसाइलें बगदाद में अमेरिकी सैन्य बेस पर दागी तो यह निश्चित हो गया था कि अमेरिका इस गुस्ताखी का बहुत कड़ा जवाब देगा। ऐसा करना अमेरिका के लिए जरूरी भी हो गया, अन्यथा मध्य एशिया में उसकी किरकिरी होना निश्चित था। दरअसल सऊदी अरब और यूएई जैसे मुल्क अमेरिका के पलटवार नहीं करने की हालत में उस पर सवाल उठा सकते थे। यानी जो देश खुद की सुरक्षा नहीं कर पाया, वह उनको क्या सुरक्षा दे सकेगा। भारतीय समय अनुसार कल बुधवार को 2 बजे जब अमेरिका ने अपने सभी एयरबेस को एक्टिव रहने और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने के लिए कहा तो यह उसी वक्त तय हो गया था कि अमेरिका एक बड़ा एक्शन ईरान पर कर सकता है। ब्रिटेन, जर्मनी, इजराइल और फ्रांस ने भी अमेरिका के हर फैसले को उचित ठहराते हुए उसके साथ खड़े होने की घोषणा कर दी है। पर असली मामला तो इससे भी आगे है। अमेरिका की लापरवाही ने ही उसकी साख को धब्बा लगाया है। ईरान जब शुक्रवार से ही जवाबी कार्रवाई की निरंतर बातें कर रहा था, उसके बावजूद अमेरिका इसी अहंकार में चूर था कि ईरान उसे छेड़ने का दुस्साहस नहीं करेगा। इस वजह से अमेरिका के वे डिफेंस सिस्टम भी फेलियर साबित हुए जिनके भरोसे अमेरिका उछलता है। 3 जनवरी को कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद ही ईरान ने कौम शहर की मस्जिद पर लाल झंडा फहराकर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए थे, लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका नहीं जागा। लेकिन अब ईरान के पाले से गेंद अमेरिका के पाले में आ गई है। पर दिक्कत यह है कि जिस तरह रूस, सीरिया और यमन ईरान के पक्ष में आए हैं, वह सीधे विश्व युद्ध के संकेत हैं। जबकि ईरान पर इजराइल का सख्त रुख भी सामने आ गया है। खास बात यह है कि चीन, यूक्रेन, सिंगापुर, ताइवान, मलेशिया, फ्रांस और भारत ने भी ईरान के एयर स्पेस से अपनी उड़ानें रोक दी है, जिसका मतलब यह है कि यह तनाव और ज्यादा गहराने जा रहा है। ईरान में अमेरिका के रिएक्शन से घबराहट का माहौल पनप रहा है। हालांकि ईरान दिखावे के तौर पर बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, लेकिन यह उसे भी मालूम है कि अमेरिका के लिए उसे जमींदोज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। इसलिए अब उसने अपने पुराने मित्र देशों, खासकर रूस और भारत से मदद की गुहार लगाई है। ईरान के भारत में मौजूद राजदूत अली चेगनी ने कहा है कि भारत को अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता करके मध्य एशिया में शांति लाने के लिए प्रयास करने चाहिए। यानी फटी के ढोल अब बजते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने शॉर्ट रेंज क्या मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी बेस पर कर तो दिया, लेकिन अब उसे जान बचाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए हर पल अब उसका डर उम्मीद से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। केवल ईरान ही इस वक्त डर से सहमा हुआ नहीं है, बल्कि दुनिया भी आशंकित है। भारत के लिए अमेरिका जहां रणनीतिक साझेदार है, वहीं ईरान सांस्कृतिक साझेदार है। भारत का कद पिछले कुछ सालों में बहुत ऊंचा हुआ है, इसलिए ईरान अमेरिका से उसकी बातचीत करवाने की उम्मीदें भारत से ही लगा रहा है। जिस चीन के विषय में कहा जा रहा था कि वह ईरान का साथ देगा, सबसे पहले उसी चीन ने ही ईरान एयर स्पेस से अपनी उड़ानें बंद की। उसके बाद इराक में मौजूद रिफाइनरी से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालना भी शुरू किया। इसका मतलब यह है कि ईरान की एकमात्र उम्मीद भारत है, जो ईरान को इस पचड़े से निकाल सकता है। 4 दिन पहले ही भारत ने इसके लिए प्रयास भी शुरू कर दिए। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान और ओमान के विदेश मंत्रियों से बात की है। साथ ही अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोपियो से भी उनकी बात हुई है। इसका मतलब यह है कि भारत अब एक बड़ी भूमिका निभाकर दोनों देशों के बीच उपजे तनाव को खत्म करने का प्रयास कर सकता है। मगर चीन ने इराक से अपने नागरिकों को बाहर निकालने की शुरुआत करके दुनिया में जो भगदड़ मचाई, उसने भय का माहौल और अधिक पैदा कर दिया है। खासतौर से भारत के लिए मध्यस्थता करना बेहद जरूरी है, क्योंकि गल्फ में 80 लाख भारतीय रहते हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने में भारत के सामने काफी बड़ी मुश्किल आ सकती है। वैसे भी इस संघर्ष से भारत को एक बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है।
खासकर क्रूड ऑयल के दाम $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं, जिसका भारत की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ेगा। इससे महंगाई तो बढ़ेगी ही, देश के विकास की गति पर भी फर्क पड़ेगा। ऐसे में भारत के लिए विश्व पटल पर अपनी भूमिका निभाने का वक्त आ गया है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।